नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार और आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन के शुभ संयोग का। क्या खास होने वाला है इस रक्षाबंधन में, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे दें। शुरुआत करते हैं, आपको बता दें, देखिए हिंदू धर्म में रक्षाबंधन पर्व का जो है वो विशेष महत्व होता है। रक्षाबंधन पर्व के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई जो है वो बहनों को गिफ्ट देते हैं। तो उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए बहनें राखी बांधती हैं, साथ ही भाई जीवन भर अपने बहन की रक्षा का संकल्प भी देता है। देखिए हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन पर्व जो है वो सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। बता दें कि इस दिन, इस वर्ष जो है वो रक्षाबंधन का पर भद्रा का साया रहने वाला है, जिस वजह से रक्षाबंधन पर्व दो दिन यानी कि 30 और 31 अगस्त के दिन मनाया जाएगा। इसके साथ ही इस दौरान कुंभ राशि में शनि और चंद्रमा विराजमान होंगे। ये हम आपको ज्योतिषाचार्य जो हैं उनकी राय बता रहे हैं, उनकी तरफ से जो बातें हम तक पहुंचाई गई वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए इस दिन धनिष्ठा नक्षत्र और सुकर्मा योग का भी निर्माण होगा और ऐसे में रक्षाबंधन पर्व के दिन कुछ राशियों को विशेष लाभ होने वाला है। तो देखिए कौन कौन सी वो राशियाँ हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लोगों को विशेष लाभ मिलने वाला है। तो देखिए मीन राशि के जातकों के लिए रक्षाबंधन पर्व जो है वो शुभ साबित होगा। इस दौरान कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है जिससे मन प्रसन्न रहेगा। तो देखिए खुशी का अगर आपको कोई समाचार मिलता है तो जाहिर तौर पर आप भी खुश हो जाते हैं। साथ ही लंबे समय से रुके हुए आपके जो कार्य हैं वो पूरे होंगे। इस दौरान जीवन साथी और परिवार का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। मकर राशि के बारे में बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए रक्षाबंधन पर शुभ संयोग हो रहा है, शुभ माना जा रहा है उनके लिए ये रक्षाबंधन। इस दौरान व्यापार में लाभ की संभावना भी जताई जा रही है और जातकों को थोड़ा सतर्क भी रहना होगा। इस अवधि में धन लाभ के अच्छे संकेत भी मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जातकों के लिए रक्षाबंधन लाभकारी साबित होगा। उस दौरान परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और संबंध जो है वो मजबूत होंगे। साथ ही स्वास्थ्य में भी सकारात्मक बदलाव आएगा जिससे पुराने स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं दूर होंगी। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करें।